आज अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर जा रहे हैं अमेरिका। 25 जून तक विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज शाम अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क में आज कारोबारियों और इन्फ्लुएंसर्स से पीएम मोदी की मुलाकात। इस दौरान अमेरिकी संसद के दोनों सत्रों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 21 जून को यूनाइटेड नेशन मुख्यालय के लॉन में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। योग दिवस के कार्यक्रम में 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 22 जून को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में राजकीय सम्मान के साथ होगा स्वागत। 21 तोपों की दी जाएगी सलामी। 22 जून को ही पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर होगा। 22 जून को पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। 23 जून को पीएम मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से करेंगे मुलाकात। कमला हैरिस के साथ लंच भी करेंगे पीएम। इजिप्ट दौरे के दौरान 25 जून को अल हकीम मस्जिद में जाएंगे पीएम मोदी। शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर बोले हिंदी और संस्कृत विज्ञान एलीट मार्क कार्टर। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका आना अहम घटना। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पीएम मोदी के साथ योग दिवस में अपनी भागीदारी पर बोले ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से योग को दुनिया में मिली अहमियत। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एक भारतीय रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू में बाजरा आधारित व्यंजन शामिल किए। पीएम मोदी की अपील के बाद फैसला। ओडिशा के पुरी समेत देश के कई हिस्सों में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं भगवान। पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी जोरदार तैयारियां की गई हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पुरी। ओडिशा की पुरी में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के रथों को जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार ले जाया गया। ग्रैंड रोड के रथवाला से खींचा गया। उड़ीसा के पुरी रेलवे स्टेशन पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। यात्रियों से की बात। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। रथ यात्रा के लिए पुरी स्टेशन पर बड़े पैमाने पर किए गए इंतजाम। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में ले रहे हैं हिस्सा। मंगला आरती में हुए शामिल। पुरी के बाद अहमदाबाद में दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है। नए रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रथ यात्रा उत्सव का उद्घाटन किया। मेलाघर के जगन्नाथ मंदिर में कार्यक्रम हुआ। मुंबई महानगर पालिका में घोटाले की जांच करेगी एसआईटी। जॉइंट सीपी की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया। एसआईटी जांच को लेकर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। जनता के पैसों का पाई पाई वसूली हमारी सरकार करेगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कोविड के दौरान लोगों की जान जा रही थी और उद्धव सरकार पैसे बना रही थी। शिवसेना स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे की मुंबई में रैली। कहा शिंदे की रैली में भाड़े पर लोगों को लाया गया। एकनाथ शिंदे पर भी बरसे उद्धव ठाकरे। कहा ऐसे कितने बिकाऊ आए और गए। पार्टी और पिता चुराने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे का निशाना मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। मुंबई में एकनाथ शिंदे ने भी रैली निकाली। मंच से उद्धव को शिंदे ने दिखाई ताकत। समान नागरिक संहिता को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले देश के बाकी हिस्सों में भी समान आचार संहिता का आएगा कानून। राजनाथ ने कहा यूसीसी को लेकर विपक्ष के विवाद करने का कोई मतलब नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है यूसीसी। गोवा और एमपी में पहले से ही लागू। उत्तराखंड में जल्द लागू होने जा रहा है यूसीसी। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी बधाई। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कहा पूरे देश में इस कानून की जरूरत। हमने विधानसभा चुनाव में किया था वादा। यूनिफॉर्म सिविल कोड सियासत इस पर तेज। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले 2024 में से जानबूझकर मुद्दा बना रही बीजेपी। यूसीसी पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये बीजेपी का वैचारिक मुद्दा आने वाले समय में होगा लागू। मौलाना अरशद मदनी बोले जमीयत उलेमाए हिंद समान नागरिक संहिता का विरोध करती है। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मिलने आज चेन्नई जाएंगे नीतीश कुमार। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक के लिए निमंत्रण भी देंगे। बिहार में जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार से समर्थन वापस लिया। बोले हमारे लिए सभी विकल्प खुले। जीतन राम मांझी पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। जो नेता इकट्ठा हो रहे हैं वो सिर्फ बिहार देखने आ रहे हैं। 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का निशाना। 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा सभी विपक्षी नीतीश से बिहार के भ्रष्टाचार के बारे में पूछे। विपक्ष इस देश को विकल्प दे सकता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान।
23 जून को विपक्ष की बैठक पर बोले शिवपाल यादव, बीजेपी को हटाने के लिए धर्मनिरपेक्ष पार्टियां एक साथ करेंगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। मोदी सरकार की 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर एक जनसभा को संबोधित कर उपलब्धियां गिनाएंगे। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर सियासी बवाल, जयराम रमेश ने कहा पुरस्कार देना गोट से कोई इनाम देने जैसा। कांग्रेस को सीएम योगी का करारा जवाब, कहा इन्हें देश की विरासत पर गर्व नहीं, गांधी परिवार खुद को मानता था एक्सीडेंटल हिंदू। कांग्रेस पर बरसे रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाए उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस से सवाल, गीता प्रेस के योगदान के बारे में कितना जानते हैं। गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर गीता प्रेस ने जताया आभार का, हमारे लिए गर्व का पल। जयराम रमेश के बयान पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। कर्नाटक विधान परिषद के उपचुनाव, कांग्रेस ने जगदीश शेट्टार को बनाया उम्मीदवार। पीएम मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, दो वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करेंगे, सीएम शिवराज ने दी जानकारी। आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, 2604 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। बिहार में 1600 करोड़ रुपए की एम्बुलेंस का ठेका दिए जाने को लेकर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, नियम बदलकर जेडीयू सांसद के बेटे को कॉन्ट्रैक्ट देने का है आरोप। गोवा के पणजी में आज होगी पर्यटन क्षेत्र की G20 मंत्री स्तरीय बैठक, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्लास्टिक को पूरी दुनिया के लिए बताया समस्या। राजस्थान में बिपरजॉय के साइड इफेक्ट से हाहाकार मचा, अजमेर में बेहिसाब बारिश से बाढ़ जैसे हालात। अजमेर में सड़क पर दिख रहा है सैलाब, कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भी घुसा बारिश का पानी, इमरजेंसी और जनरल वार्ड पानी से भरे, अस्पताल में लैब में भी पानी भरा। राजस्थान के जालौर जिले में कई नदी नाले उफान पर, निचले गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराया। अजमेर समेत राजस्थान के बारिश प्रभावित जिलों का आज दौरा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हवाई सर्वेक्षण के अलावा प्रभावित लोगों से भी करेंगे मुलाकात। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स में भूस्खलन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के गया में भीषण गर्मी से अस्पताल के मरीजों में संख्या में इजाफा दर्ज हुआ, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट। हीट स्ट्रोक के 58 मरीजों में से 45 अस्पताल में भर्ती, 5 को किया गया डिस्चार्ज। देवरिया में हीट स्ट्रोक से संदेहास्पद 4 लोगों की मौत, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने दी जानकारी। बंगाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की तैनाती मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। पंचायत चुनाव से पहले थम नहीं रही हिंसा, मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर के बाहर बम ब्लास्ट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल से मिला बीजेपी डेलीगेशन, प्रदेश अध्यक्ष शिवकांत मजूमदार ने पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा पर बात की। भोपाल धर्मांतरण मामले में आरोपियों पर लगा एनएसए, युवक के गले में पट्टा डालकर घसीटा, बुरी तरह से पिटाई की थी। वायरल वीडियो पर भोपाल पुलिस और प्रशासन ने लिया एक्शन, आरोपियों के घरों को तोड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला, 6 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपी गिरफ्तार। भोपाल कांड को लेकर सख्त, सीएम शिवराज, पुलिस कमिश्नर और डीएम को अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, इस तरह की मानसिकता मध्य प्रदेश में नहीं चल सकती। केदारनाथ मंदिर में सोने को लेकर हुआ विवाद, पुजारी का आरोप 1.5 अरब रुपए के सोने का गबन हुआ। पुजारी के आरोप पर केदारनाथ मंदिर प्रशासन की सफाई, कहा राजनीतिक साजिश के तहत लगाया गया आरोप। शामली में लव जिहाद का मामला आया सामने, पहले से 5 निकाह कर चुके मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से धर्म परिवर्तन कर किया निकाह। मामला सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी, हिंदू प्रचारक ने लड़की को 24 घंटे के अंदर बरामद करने की दी चेतावनी। सिद्धार्थनगर में अल्पसंख्यक विभाग के उपनिदेशक ने मदरसा संचालक पर धमकी देने का आरोप लगाया, शिकायत दर्ज हुई। मदरसे में अल्पसंख्यक विभाग के उपनिदेशक पहुंचे थे औचक निरीक्षण पर, गंदगी देखकर वीडियो बनाई थी। हरिद्वार में गंगा घाट का वीडियो हुआ वायरल, एक युवक दूसरे समुदाय के कुछ लोगों को घाट से भागता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस, जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा। पंजाब के लुधियाना में करीब 8.5 करोड़ की लूट मामले में एक महिला और उसका पति गिरफ्तार, पुलिस ने हेमकुंड साहिब से पकड़ा। लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान के बीच में रुकी लिफ्ट, ज्यादा बच्चे होने की वजह से रुकी लिफ्ट। मौके पर पहुंची पुलिस से चला रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी बच्चों को सकुशल निकाला गया। अमेरिका के लुसियाना में तूफान ने मचाई तबाही, घरों और वाहनों को हुआ भारी नुकसान। यूनान नौका त्रासदी में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों की मौत की आशंका, त्रासदी से कुछ घंटे पहले मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर का फुटेज जारी। नाव पर सवार थे 700 से ज्यादा लोग, 104 लोगों को बचाया गया। खेरसौन सरकार ने डैम फूटने से आई बाढ़ के नुकसान का वीडियो जारी किया। अमेरिका के शिकागो में पार्क में फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 3 घायल।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान, कहा देश में कानून के शासन के लिए लड़ाई जारी रखेंगे, किसी भी सूरत में समर्पण नहीं करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एयर शो का आयोजन, दुनिया भर की विमानन उद्योग के सीईओ और टॉप अफसर्स हुए शामिल। भवानी देवी ने रचा इतिहास, एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी, ब्रॉन्ज मेडल जीता। भवानी देवी ने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन मिसाकी एमुरा को हराया, 15-10 से दी शिकस्त। भवानी देवी ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखा पोडियम पर खड़े होना भावनात्मक था, ये देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करता है। भवानी देवी ने इतिहास रचा, इससे पहले ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, चौथी पोजीशन हासिल की थी लेकिन इस बार एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 107/3। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 273 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मिला 281 रनों का टारगेट। फिल्म आदि पुरुष विवाद के बीच राइटर मनोज मुंतशिर ने मांगी पुलिस सुरक्षा, संवादों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए खतरे की आशंका। आदि पुरुष पर देश भर में बवाल, लखनऊ में फूका फिल्म का पोस्टर, मुंबई में जबरन बंद कराया शो, मनोज मुंतशिर को दी गई पुलिस सुरक्षा। आदि पुरुष पर सरकार के तेवर सख्त, अनुराग ठाकुर बोले भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक किसी को नहीं। आदि पुरुष विवाद पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावन खुले, कहा फिल्म को परमिशन सेंसर बोर्ड देता है बीजेपी नहीं। आदि पुरुष विवाद में कांग्रेस भी कूदी, नाना पटोले बोले हिंदू धर्म और भगवान का अपमान किया गया।